हेलो एवरीवन स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बायोलॉजी ट्यूटोरियल पे आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम इन इकाइनोडर्म्स आज हम सभी फाइलम इकाइनोडरमाटा के वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम के बारे में जानेंगे कि ये सिस्टम क्या है इकाइनोडर्माटा का सबसे कॉमन स्पीसीज है स्टारफिश सी अर्जिंस तो इन सभी में ये वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम प्रेजेंट होता है इससे पहले मैंने जनरल कैरेक्टर्स और क्लासिफिकेशन का वीडियो डाला है इकाइनोडम्स पे आप जाके चेक कर सकते हो लार्वल फॉर्म्स ये सभी मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी तो शुरू करते हैं तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज़ अ हाइड्रोलिक सिस्टम यूज्ड बाय इकाइनोडम्स फॉर लोकोमोशन फूड एंड वेस्ट ट्रांसपोर्टेशन एंड रेस्पायरेशन ये जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है इट इज़ अ काइंड ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम इट मीन्स कि ये वाटर को पंप और प्रेशराइज करके पंप करके एक प्रेशर क्रिएट करता है जिससे कि ये अपना लोकोमोशन कर सकते हैं फूड वाटर ट्रांसपोर्टेशन वेस्ट हो सकता है फूड और वेस्ट ट्रांसपोर्टेशन और रेस्पायरेशन में भी हेल्प होता है इट इज़ डिवीज़न ऑफ द सिलोम और डिराइव्ड फ्रॉम सिलोम ये जो है सिलोम का पार्ट है ठीक है सिलोमिक कैविटी का ही ये पार्ट है या फिर ये सिलोम से ही इसका ऑरिजिन हुआ है इट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज एम्बुलैक्रल सिस्टम वाटर वेस्क्युलर सिस्टम का दूसरा नाम एम्बुलैक्रल सिस्टम भी होता है इट इज़ सिस्टम ऑफ कैनाल्स एंड बॉडी अपनेडेजिज़ ये जो सिस्टम है इसमें बहुत सारे केनाल्स प्रेजेंट होते हैं स्टोन केनाल रिंग कैनाल रेडियल कैनाल्स और बॉडी अपेंडेजेस ट्यूब फूट वगैरह भी प्रेजेंट होता है इन डिफरेंट क्लासेज ऑफ इकाइनोडमाटा वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज़ वेरियसली मॉडिफाइड अलग अलग क्लासेज जो है इकाइनोडमाटा के उसमें हर क्लासेज में जो स्पीसीज का जो वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम है वो थोड़ा बहुत एक दूसरे से अलग होता है उसमें अलग अलग मॉडिफिकेशंस होते हैं जैसे जो हमारा सबसे पहला क्लास है वो है क्लास एस्टेराइडिया एस्टेराइडिया में सबसे कॉमन एग्जाम्पल है स्टारफिश इसमें स्टार बिलोंग करते हैं वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम ऑफ सी स्टार्स कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट जो एस्टेराइडिया में जो ग्रुप है इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं वो हम लोग सब एक एक करके उसके बारे में जानेंगे सबसे पहला है मैड्रेपोराइट ये मैड्रेपोराइट जो होता है इट इज अ बटन शेप्ड कैल्केरियस सीव प्लेट सिचुएटेड ऑन द अबोरल सरफेस ऑफ द सेंट्रल डिस्क इनकी बॉडी का जो सेंट्रल पार्ट है यानी कि जो इनका बॉडी का जो सेंट्रल डिस्क होता है स्टारफिश का इस पोर्शन पे एबोरल सरफेस पे एक बटन शेप का यानी कि गोल सा जो है सर्कुलर बटन शेप का ये स्ट्रक्चर होता है और ये कैल्केरियस होता है यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का इसमें डिपोजिशन होगा सीफ प्लेट भी इसको बोलते हैं सीफ प्लेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये फिल्टरेशन में हेल्प करता है इट इज वर्क एज द इंट्रांस ऑफ द सी वाटर ये जो है सी वाटर को वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम में एंट्री देने का काम करता है तो जो पानी जो वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम में ले एंट्री लेगा वो मेड्रेपोराइट के थ्रू एंट्री लेगा मेड्रेपोराइट हैविंग न्यूमरस रीजेज एंड फरोज हैविंग अबाउट टू हंड्रेड पोर्स ये जो मेड्रेपोराइट है इसमें रीजेज एंड फरोज होते हैं यानी कि बहुत सारी ऐसी लाइनिंग प्रेजेंट होती है जिसको रिजेज और रिजेज एंड फरोज कहेंगे तो इस तरह का कुछ इनका सरफेस होता है और इसमें करीबन दो सौ छेद होते हैं दो सौ पोर्स प्रेजेंट होते हैं और हर पोर जो है नीचे की तरफ उसमें पोर कैनाल प्रेजेंट होता है ये जो पोर कैनाल है बहुत सारे फिर पोर कैनाल इकट्ठा होकर के बनाते हैं कॉमन कैनाल और ये कॉमन कैनाल फिर ओपन होता है जस्ट बीनीथ द मेड्रेपोराइट एक स्ट्रक्चर होता है जिसको एम्प्यूला कहते हैं तो ये मेड्रेपोराइट के नीचे एम्प्यूला पोर्शन में फिर ये ओपन होगा दूसरा हिस्सा है स्टोन कैनाल। ठीक मैड्रेपोराइट के नीचे फिर एक कैनाल प्रेजेंट होता है द एम्प्यूला ओपन्स इंटू ए एस सेप्ड स्टोन कैनाल मेड्रेपोराइट के, के एम्प्यूला में वाटर जाने के बाद ये कहाँ जाएगा स्टोन कैनाल में और स्टोन कैनाल जो है वो कुछ एस सेव्ड का होता है स्टोन केनाल एक्सटेंड टूअर्ड्स ओरल साइड ये जो स्टोन केनाल है ये ओरल साइड की तरफ जो है ग्रो करता है अबोरल टू ओरल जाने की वे में होता है द वॉल ऑफ स्टोन केनाल इज सपोर्टेड बाई कैलकेरियस डिपोजिशन इन इट्स वॉल ये जो स्टोन केनाल का जो वॉल होता है इसमें बहुत सारे कैलकेरियस रिंग्स प्रेजेंट होते हैं तो इसीलिए इनका नाम जो है स्टोन केनाल पड़ा ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ कैल्केरियस रिंग्स द ल्यूमेन ऑफ स्टोन केनाल इज सीलिएटेड ये जो स्टोन केनाल का जो ल्यूमेन है वो सीलिएटेड होता है इसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रजेंट होते हैं इन एस्टेरियस ल्यूमेन इज बाईफर्केटेड इन टू रोल्ड लेमिली एस्टेरियस में यानी कि स्टार फिश में क्या होता है इसका जो ल्यूमेन होता है अंदर स्टोन केनाल का ये दो डिविज़न में दो ब्रांचेज में बढ़ जाता है टू रोल्ड लैमिली की वजह से इट मीन कि कुछ इस तरह का रोल्ड लैमिली होता है इनके स्टोन केनाल में जिससे कि इनका जो है ल्यूमेन वो बट जाता है देन रिंग केनाल स्टोन केनाल ओपन इन टू अ सर्क्यूलर सम वॉट पेंटागोनल रिंग केनाल सिचुएटेड जस्ट इंटरनल टू द पेरिस्टोमियल रिंग ऑफ ऑसिकल्स अराउंड द माउथ मार्जिन स्टोन केनाल जो है फिर नीचे रिंग केनाल में ओपन होता है ये जो रिंग केनाल होते हैं ये सर्कुलर या कह लीजिए हल्का जो है ये पेंटागोन स्ट्रक्चर में होते हैं ये रिंग केनाल पेंटागोनल स्ट्रक्चर का रिंग होता है जो कि जस्ट प्रेस्टोमियल यानी कि जो माउथ का जो सराउंडिंग है उसके सराउंडिंग में होता है उसके सराउंडिंग के ऑसिकल्स के चारों तरफ ऑसिकल्स का मतलब होता है छोटे छोटे कैलकेरियस एलिमेंट होते हैं डर्मिस में उसी को ऑसिकल्स बोलते हैं जो तो इनका जो पेरिस्टोमियल ऑसिकल्स है उसके ये सराउंड में होता है नेक्स्ट रेडियल कैनाल्स फ्रॉम द आउटर मार्जिन ऑफ रिंग कैनाल आर गिवन आउट फाइव रेडियल कैनाल्स ईच रेडियल कैनाल रनस इनटू ईच रेडियल आर्म एंड टर्मिनेट इनटू द टर्मिनल टेंटेकल एट द टिप ऑफ द आर्म। यानी कि रिंग कैनाल के, के जो है पांच हिस्से से ये रेडियल आर्म्स जो है रेडियल कैनाल्स निकलते हैं तो पांच रेडियल कैनाल्स जो है ये पाँचों फाइव रेडियल आर्म में रन करते हैं और इनका जो आखिरी जो एरिया है वो है टर्मिनल टेंटेकल तो ये टर्मिनल टेंटिकल पे जा कर के ख़त्म हो जाते हैं जो कि बिल्कुल आर्म के एकदम टिप पे होता है, एकदम आखिरी छोर पे होता है रेडियल कैनाल रन्स रन ऑन द ओरल साइड ऑफ एम्बुलैक्रल ऑसिकल्स कवरिंग द एम्बुलैक्रल ग्रूव और ये ओरल साइड के एम्बुलैक्रल ऑसिकल्स के तरफ होता है और ये एम्बुलैक्रल ग्रूव्स को यानी कि इनमें जो एम्बुलैक्रल ग्रूव्स होता है फाइव आर्म्स में जो एक नाली है या खांचा है तो ये उसमें ही फिट होता है लैटरल केनाल्स लैटरल केनाल्स को पोडियल केनाल भी कहा जाता है क्योंकि इससे जो है पोडिया इट मीनस की ट्यूब फीट इससे जुड़ा हुआ होता है फ्रॉम ईच साइड ऑफ द रेडियल केनाल लैटरल केनाल्स आर गिवन ऑफ ऑल्टरनेटली रेडियल केनाल के जो है दोनों तरफ बहुत सारे लैटरल केनाल्स प्रेजेंट होते हैं ईच केनाल इंटू अ ट्यूब फीट द ओपनिंग प्रोवाइडेड अ वेल्व टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ क्यूड इन टू रेडियल कैनाल ये जो लेटरल केनाल्स है ये ट्यूब फुट के एम्प्यूला हिस्से में ओपन होते हैं और इनमें एक वैल्व भी प्रजेंट होता है जो बैक फ्लो यानी कि वाटर के बैक फ्लो को रोकने में हेल्प करता है ये जो लेटरल केनाल्स होते हैं ये एक साइज़ के नहीं होते हैं ये छोटे बड़े शॉर्ट लॉन्ग अल्टरनेटली होते हैं नेक्स्ट पोलियन वेसिकल्स द रिंग कैनाल फॉर्म्स फाइव पोलियन वेसिकल्स ऑन द आउटर साइड दे स्टोर वाटर विच इज़ टू बी यूटिलाइज वन सी स्टार कम आउटसाइड द वॉटर रिंग कैनाल में जो है पाँच पोलियन वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं ये सैकलाइट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि पानी को स्टोर करने का काम करते हैं और जब ये अगर समुद्र के बाहर आ गए जब इन्हें पानी की कमी पड़ी तो ये अपना स्टोर वाटर का यूज कर सकते हैं तो ये जो है वाटर प्रेशर मेंटेन करने में भी हेल्प करता है नेक्स्ट टाइडमैनस बॉडी दीज आर स्मॉल ग्लैंडुलर सैक्स ओपनिंग इन टू रिंग केनाल ऑन इट्स इनर साइड देर आर फाइव पेयर्स और इन सम फॉर्म्स टाइडमेंस बॉडी प्रेजेंट इन इंटर रेडियली दे प्रोड्यूस सिलोमिक कार्पस विच आर पास्ड इन टू रिंग केनाल ये जो टाइडमेंट्स बॉडी होते हैं ये छोटे छोटे इरेगुलर शेप के होते हैं ग्लैंडर सैक्स होते हैं ओपनिंग इनटू रिंग कैनाल और इनका जो ओपनिंग होता है ये रिंग कैनाल में अंदर से ओपन होते हैं इसे रेजी ग्लैंड भी कहा जाता है रेजी मोज ग्लैंड ये फाइव पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं पांच जोड़ा और ये जो टाइडमेंस बॉडी है ये इंटर रेडियस मतलब कि दो रेडियस के बीच का जो स्पेस है बिटवीन टू रेडियस ये सिचुएटेड होंगे ये सिलोमिक कॉर्पस सेल्स को जो है प्रोड्यूस करते सिलोमिक सेल्स मतलब कि सिलोमोसाइट्स सिलोमिक सेल्स इट मींस कि सिलोमोसाइट्स ये एमिबॉइट सेल्स है जो कि सिमिलर होते हैं ब्लड सेल के एमीबॉइड सेल्स सिमिलर टू और ब्लड सेल्स तो इन्हीं सब चीज़ों के कारण इसे वाटर वेस्कुलर सिस्टम कहते हैं ट्यूब फीट ए पोडियम और ट्यूब फीट इज अ शॉर्ट हॉलो इलास्टिक थिन वॉल्ड क्लोज सिलेंडर लोकेटेड इन द एम्बुलैक्रल ग्रूप बीज ट्यूब फुट कैन भी डिस्टिंग इन टू थ्री रीजन्स ये जो ट्यूब फीट है इसको पोडियम भी कहते हैं ये पोडियम या ट्यूब फीट जो है ये छोटा सा अंदर बहुत हॉलो होता है इलास्टिक है जिससे कि ये काफी वाटर को पम्प करने में हेल्प करता है थिन वॉल्ड क्लोज सिलेंडर और ये प्रेजेंट होता है एम्बुलैक्रल ग्रूव्स में हर एक जो ट्यूब फूट है उसका तीन हिस्सा होता है एम्प्यूला पोडियम एंड देन सकर तो जो ऊपर का सैक लाइक हिस्सा है ये हो गया एम्प्यूला देन ए मिडिल ट्यूबुलर पोडियम और थर्ड वन इज कपलाइक सकर तो ये जो सकर है ये पोडियम के सबसे निचले हिस्से में होता है देर आर यूजली टू रोज ऑफ ट्यूब फीट बट जो इनमें रो होता है ट्यूब फीट का ये दो रोज में प्रेजेंट होते हैं देखेंगे अगर हमें तो हमें दिखेगा कि ये टू रोज में ट्यूब फीट अरेंज है और ये जो एम्प्यूला है एम्प्यूला में लॉन्गीडनल और सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट होते हैं लॉन्गील हैं सर्कुलर मसल फ़ाइबर्स प्रेजेंट होते हैं और ये ऑसिकल के ऊपर प्रेजेंट है और जो इनका पोडियम होता है ये नीचे का हिस्सा होता है इसमें सिर्फ़ और सिर्फ लॉन्गील मसल्स होते हैं लॉन्गील फाइबर्स होते हैं और ऊपर वाले में लॉन्गील भी होते हैं और सर्कुलर भी होते हैं एज लेटरल कैनाल्स आर ऑल्टरनेटली लॉन्ग एंड शॉर्ट एंड दे अपीयर टू बी फोर रोज एक्चुअल में तो ये टू रोज का होता है बट क्योंकि ये जो लेटरल कैनाल्स है ये छोटे बड़े होते हैं तो अगर हम देखते हैं तो ये देखने में हमें लगेगा कि ये फोर रोज़ का है बट ये होता है टू रोज़ का वाटर आफ्टर एंट्रिंग द मैड्रीपोराइट passes into stone canal, ring canal, radial canal, lateral canal and finally into ट्यूब feet. Water सबसे पहले कहाँ entry लेगा सबसे पहले मेड्रीपोराइट से वो अंदर आएगा उसके बाद वो stone canal से होता हुआ ring canal में जाएगा उसके बाद जो five radial canal है उसमें run करेगा फिर रेडियल केनाल में जो बहुत सारे लेटरल केनाल्स प्रजेंट हैं और लास्टली ट्यूब फीट में तो ये जो पूरा सिस्टम है इससे लोकोमोशन में हेल्प होती है और ये एक हाइड्रोलिक प्रेशर मैकेनिज्म है जिससे कि ये अपना लोकोमोशन कर पाते हैं ये फिगर है स्टार फिश का वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम का जिसमें कि ये है रिंग कैनाल ये मेड्रीपोराइड से वाटर एंटर लेगा और स्टोन कैनाल एंड देन ये रिंग रिंग में पांच रेडियल कैनाल्स प्रेजेंट है जिसमें बहुत सारे लेटरल कैनाल्स है और सब में ये ट्यूब फिट जुड़ा हुआ है ट्यूब फिट का तीन हिस्सा है एम्प्यूला पोडियम और सक्कर, ये है पॉलियन वेसिकल्स जो कि वाटर स्टोर का काम करेंगे और ये है टाइडमेंस बॉडी जो कि सिलोमोसाइट्स को प्रोड्यूस करते हैं तो ये हो गया स्टार का वाटर वेस्कुलर सिस्टम नेक्स्ट क्लास है ऑफ्यूरोडिया ऑफ्यूरोडिया में जो है ब्रिटल स्टार्स आते हैं ब्रिटल स्टार बास्केट स्टार तो ये सारे स्पीशीज़ जो है ऑफिरोडिया में बिलोंग करती हैं तो इनका कैरेक्टर्स क्या होता है दे हैव सम वॉट डिफरेंट वाटर वेस्कुलर सिस्टम फ्रॉम सी स्टार इनका जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है वो काफ़ी हद तक सी स्टार से थोड़ा अलग होता है इनमें जो मेड्रेपोराइट है वो ओरल सर्फेस पे प्रेजेंट है सी स्टार्स में अबॉरल था इट बियर्स अ सिंगल पोर एंड अ पोर केनाल इसमें सिर्फ एक ही पोर और पोर केनाल होता है सम स्पीसीज है किसी किसी में एक एक से अधिक मेट्रेपोराइट होता है स्टोन केनाल runs अपवर्ड्स टू द रिंग केनाल विच इज लोकेटेड ऑन अपर सर्फेस ऑफ द jaws. रिंग केनाल जो है वो जॉ के अपर सर्फेस के ऊपर होते हैं जॉस के अपर सर्फेस पे इंटरनली और ये जो स्टोन केनाल है ये उससे भी अपवर्ड होता है द रिंग केनाल हैज़ फोर पोलियन वेसिकल्स इन ईच इंटर रेडियस एक्सेप्ट वन विच कंटेन स्टोन केनाल ये जो रिंग केनाल है इसमें चार पोलियन वेसिकल्स है और ये इंटर रेडियस प्लेस पे होगी दो रेडियस के बीच में और पांचवा जगह पे जहाँ पे मेड्रेपोराइट का ये होगा स्टोन केनाल जहाँ से जुड़ेगा तो उस जगह पे जो है पोलियन वेसिकल नहीं होगा इसलिए ये चार होते हैं नंबर में समटाइम्स पोलियन वेसिकल्स आर अकम्पेन बाय लॉन्ग ट्यूबुलर अपेंडेज अपेंडेज नोन एज सिमरोथ्स अपेंडेज इनमें किसी किसी पोलियन वेसिकल्स में कहीं देखा जाता है कि छोटे छोटे जो है अपेंडेज आउटग्रोथ होते हैं प्रेजेंट उस अपेंडेज को बोलते हैं सिमरोथ अपेंडेज ऑफ्यॉयड लैक टाइडमेंट बॉडी इनमें टाइडमैन बॉडी नहीं होता है रिंग कैनाल गिव राइज टू रेडियल केनाल इन ईच रेडियस विच रन अलॉन्ग द होल आर्म टू टर्मिनेट इन टू टर्मिनल टेंटिकल ये बिल्कुल स्टार फिश की तरह जो है पाँच इन में रेडियल कैनाल्स प्रेजेंट है और ये पूरे उसके आर्म के अलॉन्ग जो है रन करता है और पूरे टर्मिनल टेंटिकल तक जो है इसके टिप तक वो पहुँचेगा रेडियल केनाल गिव्स ए वी शेप लैटरल केनाल दैट एंटर्स इन टू ए पेयर ऑफ पोडिया इनमें जो लेटरल केनाल है वो वी शेप का है और फिर ये पोडिया में जा कर के ओपन होगा पोडिया डो नॉट बियर एम्प्यूला इनमें एम्प्यूला नहीं है तो एम्प्यूला के जगह पे जो वेल्व प्रेजेंट होता है ताकि वो वाटर प्रेशर को कंट्रोल करें उसके बैक फ्लो को रोके तो इस वजह से इनका जो पोडिया होता है वो थोड़ा रिड्यूज उसका साइज थोड़ा कम हो जाता है ये हो गया का वाटर वेस्कुलर सिस्टम का स्ट्रक्चर अब हमारा नेक्स्ट क्लास है इकाइनोइडिया इकाइनोइडिया में आते हैं सी अर्चिन सी अर्चिन्स में तो कोई आर्म्स प्रेजेंट नहीं होता है तो इनका जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है ये सी स्टार के जैसा ही है लगभग जैसे इनका जो मैड्रेपोराइट है इज लोकेटेड विद इन ऑफ द जेनाइटल प्लेट्स ऑन द अबॉरल सरफेस इनका जो मैड्रेपोराइट है वो एनस की तरफ सिचुएटेड है तो इनमें जो प्लेट्स होते हैं जेनाइटल प्लेट्स तो उस प्लेट में किसी एक प्लेट में होता है मेड्रेपोराइट लोकेटेड द रिंग द स्टोन कैनाल डिसेंड फ्रॉम द मेड्रेपोराइट टू द रिंग कैनाल विच लाई अराउंड द उसके बाद जो वाटर है स्टोन नाल से होता हुआ जाता है रिंग नाल में और ये जो रिंग नाल है ये फेगस के चारों तरफ मौजूद है रिंग नाल हैज अ नंबर ऑफ पॉलियन वेसिकल्स इसमें पॉलियन वेसिकल्स बहुत सारे होते हैं बिकॉज सी अर्चिंग नो आर्म्स द फाइव रेडियल केनाल सिंपली रन अलॉन्ग द इन साइड ऑफ टेस्ट आर्चिंग अपॉर्ड द दस क्योंकि सी अर्चिन्स में तो कोई आम प्रेजेंट नहीं है तो इनकी बॉडी तो सर्कुलर थोड़ी होती है तो ये जो इनका रेडियल कैनाल है ये सिंपली जो है टेस्ट यानी कि जो इनका एंडोस्केलेटन है तो उसके ही अलोंग जो है ये अपवर्ड ऐसे रेडियल कैनल्स प्रेजेंट होंगे जो कि ऊपर की तरफ आर्च करेंगे टाइडमेंट बॉडी इज ऑल्सो प्रेजेंट इन रिंग कैनाल इनमें टाइडमेंट बॉडी प्रेजेंट है फ्राम आईदर साइड ऑफ रेडियल कैनाल ऑल्टरनेटली कम आउट लेटरल केनाल्स टू द बेस ऑफ एम्प्यूली और फिर रेडियल केनाल से जो है लेटरल केनाल्स निकलेंगे जो कि एम्प्यूला में ओपन होंगे ट्यूब फीट का सकर्स ऑफ पूरिया इन सी अर्चिन आर वेरी वेल डेवलप्ड इनमें जो सकर्स होता है वो बहुत ही वेल डेवलप होता है फॉर द अटैचमेंट तो ये सी अर्चिन्स का फिगर है जिसमें कि हम देख सकते हैं कि ये ट्यूब फिट जो है किस तरह से अपवर्ड आर्च कर रहे हैं रिंग के प्रेजेंट और इनमें बहुत सारे स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं कांटा लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं तो ये हो गया सी अर्चिन अब हमारा चौथा क्लास है होलोथुरोइडिया होलोथुरोइडिया में आते हैं सी का कम्बर्स सी का कम्बर्स दे हैव वॉटर वेस्क्यूलर सिस्टम लाइक दैट ऑफ अदर इकाइनोडम्स बट मैड्रेपोराइट पेक्यूलियर इनका जो वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम है वो लगभग कॉमन है लेकिन इनका जो मेड्रेपोराइट है उसकी एक अलग ही खासियत है उसका अलग कैरेक्टर है मेड्रेपोराइट इज नॉट कनेक्टेड विद बॉडी सर्फिस नाई दर इट इज अटैच इन द सिलोंग इट हैंग जस्ट बिलो द बेस ऑफ फेरेंस जो मेड्रेपोराइट है वो कहीं पर भी कनेक्टेड नहीं है ना तो बॉडी के सरफेस पे और ना ही उनकी बॉडी कैविटी पे ये लटकता रहता है इट जस्ट हैंग और ये फैरिंग्स के बेस के नीचे हैंग करते रहता है मैड्रेपोराइट इज़ कनेक्टेड टू रिंग कैनाल बाई ए शॉर्ट स्टोन केनाल सिलोमिक फ्लूड सर्कुलेट इन इट मेड्रेपोराइट रिंग केनाल से जुड़ता है एक छोटे से स्टोन केनाल के, के जरिए जहाँ पे ये सिलोमिक फ्लूड जो है सर्कुलेट होगा सिलोंग का फ्यूड रिंग कैनाल नॉर्मली हैज वन टू तो फोर पोलियन वेसिकल्स बट इन एपोडा दे आर न्यूमिरस इनमें इनका जो रिंग कैनाल है इसमें एक से चार तक पोलियन वेसिकल्स होंगे किसी में एक किसी में दो या तीन चार और इनमें जो एपोडिडा ऑर्डर का एपोडा भी कहते थे बट एपोडिडा भी कहाँ जाता है एपोडा या एपोडिडा एक्चुअली एपोडा क्लास जो है एपोडा एम्फीबिया में भी होता है ऑर्डर इसीलिए तो इनमें बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं यानी कि दस से अधिक फाइव रेडियल कैनल्स अराइज फ्रॉम रिंग केनाल रिंग केनाल से पांच रेडियल कैनल निकलेंगे रेडियल कैनाल रन्स थ्रू नॉचेज इन द कैलकेरियस प्लेट सराउंडिंग द माउथ एंड देन रन अलॉन्ग लेंथ ऑफ द बॉडी ये जो रेडियल कैनाल है इनमें जो कैलकेरियस प्लेट्स होंगे इनके नॉचेस से यानी कि जो वी शेप का जो कट आएगा तो ये उसी से गुजरते हुए यू you नो know, जाएंगे और ये पूरी बॉडी के लेंथ में रन करेंगे लैटरल केनाल्स रन टू ट्यूब फिट फिर लैटरल केनाल्स निकलेगा रेडियल केनाल से और देन वो ट्यूब फिट में एंटर करेगा ट्यूब फीट में एमक्यूली प्रेजेंट है ओरल टेंटेकल्स प्रेजेंट ये जो रेडियल कैनाल्स होते हैं इसी से छोटे छोटे ब्रांचेस आएंगे जो कि टेंटेकल्स ओरल टेंटेकल्स का भी फॉर्म करेंगे या बकल टेंटेकल्स इन एपोडा और एपोडीडा नो ट्यूब फीट ये जो एपोडीडा वाला ऑर्डर है इसमें ही सिर्फ ऐसा होता है कि इसमें ट्यूब फिट नहीं होता है रेडियल कैनाल्स नहीं होता है वाटर वेस्क्युलर सिस्टम इज़ कन्फाइंड टू रिंग कैनाल यानी कि इनका वाटर वेस्कुलर सिस्टम सिस्टम जो है सिर्फ और सिर्फ रिंग कैनाल होगा पॉलियन वेसिकल्स और टेंटिकल्स होंगे बस दैट्स इट इनमें ट्यूब फिट वगैरह नहीं होंगे ये वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम सी का कम्बर यानी होलोथुरियंस का है जिसमें कि हम सभी देख सकते हैं कि ये किस तरह से जो है रेडियल केनाल निकल रहा है रिंग केनाल से जो कि एनएस की तरफ आर्च कर रहा है इनमें रेस्पिरेटरी टी होते हैं रेस्पिरेशन के लिए तो ये हो गया वाटर वेस्कुलर सिस्टम ऑफ ए होलोथोडियम अब हमारा सबसे आखिरी क्लास है क्रीनॉइडिया क्रीनाइडिया में आते हैं सीलीली, इनमें मैड्रिपोराइट नहीं होता है क्रीनोइड्स लैक मैड्रिपोराइट, द ओरल सरफेस इज डॉटेड विथ न्यूमरस माइन्यूट सीलिएटेड फनल्स दैट रन इन टू द मेन बॉडी कैविटी तो इंस्टेड ऑफ मैड्रिपोराइट इनमें मैड्रिपोराइट तो नहीं होता है पर उसकी जगह पर ये सीलिएटेड फनल्स प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे सीलिएटेड फनल्स होते हैं छोटे छोटे जो कि वाटर को मेंटेन करने में प्रेशर को इसके मेंटेन करने में एंट्री एंट्री ऑफ वाटर को मेंटेन करते हैं द रिंग केनाल है सेवरल स्मॉल स्टोन केनाल दैट ओपन टू सिलोम तो ये जो स्टोन केनाल है ये बॉडी कैविटी में ओपन होते हैं बहुत सारे होते हैं रिंग केनाल में ईच रेडियल केनाल रन इन टू द आर्म एंड ब्रांच सेवरल टाइम टू सप्लाई ऑल द ऑल ऑफ द पीनुल्स इसमें जो रेडियल कैनाल्स होते हैं वो बहुत सारे ब्रांचेस फिर उसके निकलते हैं क्योंकि सी लिलीज़ में बहुत सारे यू नो आर्म्स होते हैं और पीन्यूल्स होते हैं ताकि हर एक एरिया तक ये सप्लाई हो सके द रेडियल कैनाल गिव राइस टू तो लेटरल केनाल बट देर आर नो एम्प्यूली इन ट्यूब फिट इनमें एम्प्यूला नहीं है रेडियल कैनल से लेटरल केनाल में वाटर फ्लो करेगा और ट्यूब फिट में एम्प्यूला नहीं है इन द एबसेंस ऑफ एम्प्यूली वाटर प्रेशर इज मैंटेन बाई द रिंग कैनाल विच इज़ सराउंडेड बाई कॉन्ट्रेक्टाइल मसल फाइबर्स क्योंकि एम्प्यूला नहीं है तो वाटर प्रेशर को मेंटेन करने के लिए रिंग कैनाल मदद करेगा और चूंकि इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल मसल फाइबर्स होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और उस वाटर को मेंटेन करने में हेल्प करेंगे ये फिगर है सी लिली का वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम इसमें देख सकते हैं कितने सारे छोटे छोटे वाटर ट्यूब्स हैं पोर्स प्रेजेंट है जो कि वाटर एंट्री में हेल्प करेंगे दिस इज द रिंग कैनाल और देन रेडियल कैनाल जो कि फिर आगे बहुत सारा ब्रांचेस होगा इसका फंक्शन ऑफ वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम ऑल ओवर इसका फंक्शन क्या होता है वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम का सबसे पहला फंक्शन है लोकोमोशन में हेल्प करना उसे एक जगह से दूसरी जगह चलने फिरने में मदद करना इन समिकाइनोडम्स इट इज सेंसरी इन फंक्शन ये सेंसरी भी फंक्शन करता है इट मीन्स की किसी चीज़ को फील करने में ट्यूब आर सेंसरी इन फंक्शन और ये जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम का ट्यूब का हिस्सा है ये मदद करेगा इट इज़ ऑल्सो रेस्पिरेटरी रेस्पिरेशन में हेल्प करता है एक हद तक एक्सक्रीशन भी करता है और ऑल्सो डन बाई वाटर वेस्कुलर सिस्टम यानी कि नाइट्रोजीनस वेस्ट निकालने में बाय द हेल्प ऑफ ट्यूब फीट दे कैप्चर द प्रे एंड ऑल्सो हेल्प इन अटैचमेंट ऑफ सर्फेस लाइक रॉक्स ट्यूब फीट के मदद से ये फूड कैप्चर भी करते हैं फूड को पकड़ने में यानी कि प्रे को पकड़ने में हेल्प करेंगे एंड किसी सतह पे अगर इनको यू नो अटैच होना है तो वो चपकने का काम जो है वो भी ट्यूब फीट के हेल्प से लाइक चट्टान में रॉक्स में हेल्प करते हैं तो दोस्तों ये है हमारा आज का टॉपिक वाटर वेस्कुलर सिस्टम जिसमें हमने देखा कि ये एक हाइड्रोलिक सिस्टम है जो कि लोकोमोशन में एक्सक्रीशन रेस्पायरेशन में हेल्प करता है इसके अलग अलग क्लासेस में अलग अलग तरह के मॉडिफिकेशन देखने को मिलते हैं जैसे सबसे पहला क्लास एस्टेरॉइड या स्टार फिश में जो है इसका जो इसमें मेड्रेपोराइटिस इस प्रेजेंट रेडियल केनाल्स है रिंग केनाल्स है स्टोन केनाल्स है सभी चीज़ प्रेजेंट है टाइडमेंट्स बॉडी भी होती है पोलियन वेसिकल्स प्रेजेंट है नेक्स्ट है ऑफियोरोडिया इसमें ब्रिटल स्टार या बास्केट स्टार आते हैं तो इसका जो मैड्रेपोराइड था वो ओरल सरफेस पे प्रेजेंट था इसमें सिमरॉथ्स अपेंडेजेस देखने को मिलते हैं और इनमें टाइडमैन बॉडी नहीं होता है ये हो गया ऑफियोरोडिया का डाइग्राम देन थर्ड क्लास है इकाइन जिसमें सी अर्चिनस आते हैं इनका जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है ये सी स्टार के जैसा ही होता है और इनमें बहुत सारे पॉलियन वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं इनमें आर्म्स नहीं हैं तो इनका जो रेडियल कैनाल्स है वो अपवर्ड रन करता है फोर्थ है हमारा हॉलोथुरडिया ये काइनोइडिया का डायग्राम हो गया इसमें सी का कम्बर्स आते हैं और ये जो सी का कम्बर्स होते हैं इनमें इनका जो मेड्रेपोराइट है वो थोड़ा पेक्यूलियर थोड़ा हटके होता है ये हो गया होलोथुरियन का फिगर और लास्ट हमारा क्लास है क्रेनोइडिया जिसमें सीलीलीज़ आते हैं इसमें मैड्रेपोराइट नहीं होता है उसकी जगह पे सीलिएटेड फनल्स उसका काम करते हैं और इसमें रेडियल कैनाल्स के बहुत सारे ब्रांचेस प्रेजेंट होते हैं ये हो गया क्रेनोइडिया का फिगर और ये फंक्शन ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आपको मेरे नोट्स पसंद आते हैं तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा थैंक यू सो मच